बालों को तेजी से लंबा और घना करना चाहते हैं तभी इस उपाय को करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। आज के दौर में हर कोई अपने गिरते बालों को लेकर चिंता जाहिर करता है। टूटते और झड़ते बालों को लेकर लोगों में इतना डर बैठ गया है कि वो महंगे और केमिकल युक्त हेयर ट्रीटमेंट लेने को मजबूर हो गए हैं। अगर आप भी घने लंबे और मुलायम बाल चाहते हैं तो आप घरेलू उपायों पर गौर करें ताकि आपको पर्याप्त पोषण भी मिले और केमिकल का झंझट भी न हो। कहते हैं लंबे घने और काले बाल लड़कियों की खूबसूरती का अहम हिस्सा होते हैं। अगर आपका चेहरा अच्छा है और आपके बाल पतले रूखे और बेजान है तो आपका पूरा लुक खराब हो सकता है। वहीं लंबे बाल पाने के लिए न जाने कितने प्रोडक्ट का लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इन्हें यूज करने पर बालों को नुकसान तो होता ही है, साथ ही कई बार महंगे प्रोडक्ट पर पैसे खर्च करने के बावजूद बाल बढ़ते ही नहीं। इसलिए हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके बाल बहुत ही तेजी से लंबे और घने हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, लहसुन। जी हाँ, सेहत के लिए लहसुन के फायदे तो हैं ही, साथ ही बालों के लिए भी लहसुन फायदेमंद हो सकता है। लहसुन का जेल और बेटामेथासोन वैलेरेट स्टेरॉइड दवा का मिश्रण एलोपेशिया एरेटा के लिए थेरेपी की तरह काम कर सकता है। इसके लिए आप लहसुन की एक या दो कली लें और एक या दो चम्मच शहद भी लें। लहसुन की कलियों को छोटे छोटे टुकड़े में काट लें और फिर इसमें शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को स्कैल्प पर लगाएं। आधे से एक घंटे बाद बालों को शैम्पू से धो लें। नंबर दो, सेब का सिरका। जी हाँ, सेब के सिरके से बाल धोना सबसे अधिक आसान और मशहूर तरीका है और इससे आपको लंबे बाल मिलते हैं। इसके लिए आपको शैम्पू से बाल धोने के बाद अपने बालों को अच्छे से सेब के सिरके से धोने की जरूरत है और ये आपके लिए एक अच्छे कंडीशनर का भी काम करेगा, साथ ही आपके स्कैल्प को भी स्वस्थ रखेगा। इसके लिए सेब के सिरके में पानी मिला कर डिल्यूट कर लें। एक बार शैम्पू से बाल धोने के बाद अपनी स्कैल्प को साफ करें और बालों को फिर से सेब के सिरके से धोएं और बाद में अपने बालों को अच्छे से पानी से धो लें। नंबर तीन, प्याज। जी हाँ, प्याज का सेवन सेहत को जितना लाभ देता है उतना ही इसका जूस बालों को भी फायदा पहुंचाता है। प्याज के जूस में सल्फर होता है जो उदकों में कोलेजन को बढ़ाता है जिससे बालों की ग्रोथ तेजी से होने लगती है। यह बालों के लिए सबसे प्रभावी और घरेलू उपायों में से एक है। शायद आपने कभी गौर न किया हो लेकिन बाजार में ऑनियन शैम्पू अधिक मात्रा में बेचे जाते हैं क्योंकि प्याज बालों को पूरी तरह मजबूत बनाने का काम भी करता है। इसके लिए सबसे पहले आप प्याज को छीलकर काट लें और इसे मिक्सर या फिर किसी तरह पीस कर इसका रस निकाल लें। अब निकाले हुए रस को रुई की मदद से अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएं और 15 से 20 मिनट बाद बालों को शैम्पू कर लें। अब प्याज का जूस सप्ताह में एक बार अवश्य यूज करें। नंबर चार, जी हाँ, अच्छी तरह से खोपड़ी की मालिश लंबे बालों के लिए सबसे आसान और कुशल घरेलू उपचारों में से एक है। साधारण बात यह है कि गुनगुने तेल या कंडीशनर से खोपड़ी की मालिश करने से आपके बाल बहुत ही तेजी से लंबे और घने होने लगते हैं और मजबूत हो जाते हैं। 10 मिनट या 15 मिनट तक अपने बालों की रोजाना मालिश करने से बाल मजबूत होते हैं।